दिल्ली एनसीआर में कांपी धरती, महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, जानमाल का नुकसान नहीं, दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी। नेपाल में 6.2 तीव्रता के भूकंप के बाद बझांग की इमारतों को हुआ नुकसान, कुछ लोग हुए घायल। बिहार में जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। यूपी और उत्तराखंड में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, 6.2 मापी गई तीव्रता। देवड़िया हत्याकांड में 27 नामजद समेत 77 के खिलाफ हुआ FIR, सीएम योगी ने घायल बच्चे का जाना है। वाधवगढ़ नेशनल पार्क से सटे इलाके में बाघ ने मचाया आतंक, 2 लोगों पर किया हमला। इंदौर में डेंगू ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 12 नए मरीज मिले, कुल आंकड़ा 223 के पार। असम सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए गार्डन मैनेजमेंट को 20% बोनस देने का दिया आदेश, चाय बागान मजदूरों की मिनिमम सैलरी भी बढ़ाई। फ्लिपकार्ट के विज्ञापन को लेकर ट्रेडर्स हुए बिग बी से नाराज, कार्रवाई की मांग करते हुए CCPA के पास दर्ज कराई शिकायत। अक्टूबर महीने के पहले सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, एनर्जी बैंकिंग स्टॉक्स ने मुनाफा बढ़ाया।